अच्छा स्टार्ट हुआ नॉट ओके चलो सो वेलकम बैक टू यो यो बायो समझ में आयो प्रेम रतन धन बायो। अच्छा आज के बायो क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट न्यू चैप्टर दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा बच्चों अब इस चैप्टर में जैसे अगर हम लोग इन जनरल मान लेते हैं कि बचपन से लेके अब तक हमारे बॉडी का जो भी ग्रोथ हुआ है और उसके अगेंस्ट अगर हम लोग कोई एक्सेसिव ग्रोथ देखते हैं जैसे अगर हम लोग टीवी पे WWE सुपरस्टार देखते हैं द ग्रेट खली सब लोग देखे हैं बेटा उसका एडवर्टाइजमेंट आता है एक दिन मेरी मौसी ने बताया अच्छा तो देख के ऐसा लगता है कि इसका ग्रोथ एक्सेसिव है यानी ये तो कितनी अच्छी बात होगी बट ऐसे मामले में कैसा होता है मालूम है कि ये कुछ डिजीजेस होते हैं जिसको जाइजेंटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा हॉस्पिटल में जब हम अलग अलग सिचुएशन सुनते हैं कि किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा है उसको मीठा खाने के लिए मना किया है उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं बेटा? डायबिटीज। अच्छा फिर फीमेल लेबर रूम में हम लोग देखते हैं कि एक फीमेल को जब लेबर पेन होता है ओके तो वो भी कुछ हॉर्मोन्स की वजह से होता है यानी हमारा पूरा का पूरा बॉडी का जो वर्किंग है वो हॉर्मोन्स के अंदर है। दैट इज द रीजन व्हाई दिस चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अवर बायोलॉजी। हमने पिछले लेक्चर में जब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे तब हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नाउ लेट अस बिगिन कि इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम लोग कंपेयर करें जो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल है नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है उसका जो भी एक्शन होगा वो एक्शन कंपैरेटिवली फटाफट काम करता है और क्योंकि वो फटाफट काम करता है इसलिए उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत कम समय के लिए लास्ट करता है। और एक बात ये है कि न्यूरॉन्स बॉडी के मेजर पार्ट्स तक पहुंच सकते हैं बट वो बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते। See, this is just like let's say electrical wiring of this classroom. So, मैं electrical wiring में important electronic equipments को दे सकता हूँ, जैसे fan को दे सकता हूँ, light को दे सकता हूँ, air conditioner को दे सकता हूँ। But अगर मुझसे ये कहा जाए कि सर आप हर एक wire इस पूरे दीवार में जो जो एक एक particle है उसको separate wire का supply दो, तो वो possible नहीं है। उसी तरह से जो नर्वस सिस्टम है ना नर्वस सिस्टम का बेस्ट पॉइंट क्या मालूम है? फटाफट काम करता है और उसका जो एक्शन है ना वो हमेशा शॉर्ट लास्टिंग होता है। बट ये नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर तक नहीं पहुंच सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द नर्वस सिस्टम टू सप्लाई ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इसलिए कुदरत ने क्या किया ना न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम बनाया है जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का कैसा है ना बच्चों इसका एक्शन कैसा है? स्लो एक्शन। जैसे अगर हम लोग बात करें बेटा ग्रोथ हार्मोन की तो ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में थोड़ा थोड़ा रिलीज हुआ उसके हिसाब से हमारा बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली ग्रो हुआ है तो इसका एक्शन स्लो होगा बट एक अच्छी बात यह है कि इसका एक्शन ना कंपेरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें दिस इज अ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जहां पे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का एक्शन हमेशा फटाफट होता है और उसका एक्शन हमेशा कम समय के लिए लास्ट करता है बट हॉर्मोन्स का जो एक्शन रहता है ना वो स्लो स्टार्ट होता है बट लंबे समय तक लास्ट करता है। जहां जहां पे नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच सकता है वहां वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम के हॉर्मोन्स पहुंच सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। इमेजिन करो बच्चों ये सब के सब है ना लिक्विड जैसे होते हैं पानी की तरह केमिकल होते हैं और इसके वजह से हमारे बॉडी में ऐसा ट्रेमेंडस चेंजेस आता है। जब हम पैदा हुए थे तब से लेके हमारा हाइट बॉडी वेट जो भी डिफरेंस आया है सबका सब ग्रोथ हॉर्मोन की वजह से और ये ग्रोथ हॉर्मोन अल्टीमेटली क्या है ये एक केमिकल ही है। नेक्स्ट मूविंग ऑन अब एक ऐसा पार्ट है जो नर्वस सिस्टम में भी आता है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमस।
बच्चों आपको ये नाम याद है? ओके, हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन के फ्लोर पे प्रेजेंट था. सो दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द डायनसेफेलॉन और आई कैन से दिस इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन एंड हाइपोथैलेमस इज बिलीव्ड टू बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. बच्चों आज के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ बेसिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे और मैं तुमको आज जो भी कुछ पढ़ाऊंगा ये सब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है. ओके, एनसीईआरटी के फ्रेम के हिसाब से एग्जैक्ट हम लोग चलेंगे और ये लेक्चर के बाद आप अपना बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बेसिक आंसर्स को आंसर कर पाओगे आराम से. सो पहला क्वेश्चन तो यही समझ लो कि हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा, अगर हमसे ये पूछा कि ऐसा कौन सा पार्ट है पूरे बॉडी का जो कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का हिस्सा है, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, सो द आंसर विल बी हाइपोथैलेमस. मूविंग ऑन, अगर इन जनरल हम लोग स्कूल लेवल के हिसाब से बेसिक से शुरू करें तो ग्लैंड्स दो टाइप के होंगे. अब कुछ कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो अपना लिक्विड बना रहे हैं बट इनके लिक्विड को टारगेट एरिया तक ले जाने के लिए इनके पास अपना खुद का पाइप होता है. पाइप का मतलब डक्ट बेटा. ऐसे ग्लैंड को हम लोग कहेंगे कि दिस इज विच ग्लैंड बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड. वहीं कुछ कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं बेटा जो अपना लिक्विड बना लेते हैं बट इनके लिक्विड को टारगेट एरिया तक ले जाने के लिए इनके पास अपना खुद का डक्ट नहीं होता. सो हियर द डक्ट इज एब्सेंट. तो ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड. That is why in fancy English we can say that endocrine gland is also called as ductless gland. क्योंकि इन glands के पास अपना खुद का pipe, अपना खुद का duct नहीं होता. ये समझा बेटा? Next, अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने पानी को, अपने secretions को directly कहाँ पे pour करेंगे? Blood में डाल देंगे. अब blood तो body के हर हिस्से तक जाता ही है. Blood supply तो हर part में बेटा. फिर ब्लड अल्टीमेटली इन केमिकल्स को अलग अलग एरिया तक सप्लाई करता है. नाउ द पॉइंट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड का नाम है एंजाइम्स और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड का नाम है हॉर्मोन्स. अब हमारा चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने सबसे पहले हॉर्मोन्स का डेफिनेशन ब्लैक बोल्ड लेटर्स में दिया है स्टार्टिंग के पैराग्राफ. एज पर एनसीईआरटी चलते हैं, हॉर्मोन्स का मतलब होता है कि हॉर्मोन्स वो केमिकल है, सब लोग ध्यान से सुनना, जिनके अंदर किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता है. सो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. सेकेंड बेटा, ये हमेशा दो सेल के बीच में जाके काम करते हैं. सो दे आर इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर. अब यहां पर देखो इंट्रासेल्यूलर नहीं लिखा है. अगर मैं इंट्रासेल्यूलर लिखता, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, बट बेटा हम बात कर रहे हैं दो सेल के बीच में, इसलिए इसको क्या बोला? इंटरसेल्यूलर. एंड दीज हॉर्मोन्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एंड दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. स्मॉल क्वांटिटी मीन्स दे आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट. बेटा तीन इंपॉर्टेंट ग्रामर है, फोकस कर दो कि हॉर्मोन क्या होता है. नंबर वन, न्यूट्रिएंट है कि नॉन न्यूट्रिएंट है? नॉन न्यूट्रिएंट है.
अच्छा इंट्रासेल्युलरली काम करता है कि इंटरसेल्युलरली? इंटरसेल्युलरली करेक्ट। तो इंटरसेल्युलर केमिकल मैसेंजर। और लास्ट, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी और ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट ये याद रखना है। नेक्स्ट, फिर हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि हमारे बॉडी में कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सो नाउ लेट अस चेक आउट हमारे बॉडी में अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लिस्ट। सब लोग ध्यान देना बेटा। नंबर वन, सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग मान के चलेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है ना, ये हमारे ब्रेन में होता है और ब्रेन में ये एपिथैलेमस के नीचे होता है। ओके, मूविंग ऑन। नंबर टू, द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन में होगा, बट वो किसके नीचे होगा बेटा? हाइपोथैलेमस के नीचे। अच्छा, पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड से रिफर करते हैं, क्योंकि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एक बात तो है, हर मास्टर का सुपर मास्टर होता है बेटा। करेक्ट। तो इस चैप्टर में सुपर मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन एंड हाइपोथैलेमस इज रिफर्ड टू बी सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है बेटा। इतना समझा सबको? आराम आराम से पढ़ते हैं, एक एक बात अच्छे से याद रख लो। मूविंग ऑन बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर हम लोग ब्रेन से नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो गले में अगर हम लोग जाएं तो गले में दो ग्लैंड होता है, एक होता है थायराइड ग्लैंड और दूसरा होता है पैराथायराइड ग्लैंड। कहां पे होते हैं बेटा? ये नेक में। और थायराइड ग्लैंड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होता है। हमारा थायराइड ग्लैंड ना गले में ऐसे बटरफ्लाई शेप का होता है, उसके दो लोब्स होते हैं, दो विंग्स होते हैं, और हर एक लोब के पीछे दो पैराथायराइड ग्लैंड होता है। सो टोटल पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास चार है। ये आने वाले लेक्चर में जब हम लोग सिर्फ पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी खाली लिस्टिंग कर रहे हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट। फिर इसके बाद हमारे चेस्ट में ना थायराइड की तरह ही एक ग्लैंड होता है, इसका नाम है थाइमस। और ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ना बच्चों, ये हमारे हार्ट के ऊपर होता है। और ये ग्लैंड हमारे बॉडी में खास किस्म का WBC बनाता है, जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेच्योरेशन थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। अब बात ऐसी है कि ये जो थाइमस ग्लैंड है, बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ये डीजेनरेट होते जाता है, यानी ये अपने आप सड़ने लगता है और मरने लगता है। सो दैट जैसे हमारा ओल्ड एज आता है तब तक ये पूरी तरह से डीजेनरेट हो चुका होता है। इसीलिए हमारे मनुष्य के जीवन में हमने ये देखा है कि बचपन में और बुढ़ापे में हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और मिडल एज ग्रुप में हमारी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है। बुढ़ापे में इम्यूनिटी कम होने का वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि थाइमस ग्लैंड मर जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये थाइमस है और ये थायराइड है। ओके, थायराइड में ऑइड का मतलब होता है लाइक, और थायरो का मतलब होता है शील्ड। यानी ये ग्लैंड को जब पहली बार देखा था गले में तो ये उसका कनेक्टिंग ब्रिज है और ये उसके दो लोब्स है बच्चों। तो तलवार के साथ जो ढाल नहीं आती है शील्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको अगर दीवार पे साइड साइड में लगाए तो कैसा एकदम बल्जिंग पार्ट जैसा दिखता है। तो ये दो शील्ड के साथ कंपेयर किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है थायराइड ग्लैंड। मूविंग ऑन देन, आफ्टर थाइमस द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑन लिस्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास कहां होगा? ये हमारे पेट में होगा, एब्डोमिन में। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर वी विल टेक विल बी गोनाड्स।
गोनाइड्स में बेटा मेल गोनाइड्स को हम लोग टेस्टीज बोलेंगे और फीमेल गोनाइड को ओवरी बोलेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को सुपरारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं और ये असलियत में इट इज प्रेजेंट अबाउ द किडनी। ये जानते हैं ना बेटा? अच्छा, इसके अलावा कुछ और पार्ट्स ऐसे हैं बॉडी के, उनमें से भी हार्मोन निकलता है। जैसे चेक करना सब लोग ध्यान से, हार्ट में से कुछ कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, किडनी में से कुछ कुछ हार्मोन निकलता है बेटा, लीवर में से भी हार्मोन निकलता है और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कुछ कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। इसीलिए ये भी सारे ऐसे ऑर्गन है हमारे बॉडी के जिनका एंडोक्राइन फंक्शन है, यानी ये लोग भी हार्मोन्स छोड़ते हैं। अब बच्चों बहुत अच्छे से ना अपने दिमाग में ये सेट करो कि अपने चैप्टर का पूरा फ्लो क्या है। अपने चैप्टर में ना अभी हम लोग एक एक करके सारे ग्लैंड डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें से यूजुअली मेजर लाइमलाइट पिट्यूटरी और थायराइड ले जाता है। मेजर यानी मेजॉरिटी क्वेश्चंस पिट्यूटरी और थायराइड से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो थियरी पेपर हो या नीट एंट्रेंस एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का सीईटी एग्जाम हो, मेजॉरिटी क्वेश्चन इस चैप्टर में, मेन हीरो पिट्यूटरी है, सेकेंड लीड हीरो है थायराइड, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आज के क्लास में मैं तुमको पिट्यूटरी का सिर्फ इंट्रोडक्शन करूंगा, इतना समझा बच्चों? ओके yes. अब ये काम करिए, इसका फोटो ले लो, फिर इसको मैं रख कर दूं, इसको क्लिक कर लो फटाफट, नहीं पॉज मत करो, नहीं डन। अच्छा चलो बच्चों कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दिखा। ऐसा कौन सा पार्ट है विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम? हाइपोथैलेमस। ओके, हॉर्मोन्स के डेफिनेशन में आपने क्या देखा था, इंट्रा सेल्यूलर था कि इंटर सेल्यूलर था? इंटर सेल्यूलर, वेरी गुड बेटा। और न्यूट्रिएंट था कि नॉन न्यूट्रिएंट? लार्ज अमाउंट और ट्रेस अमाउंट? ट्रेस अमाउंट। कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नेक के अंदर है? थायराइड एंड। अच्छा, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हार्ट के ऊपर है? थाइमस। किडनी के ऊपर? एड्रीनल, जिसका दूसरा नाम सुपरारीनल। इतना याद है सबको? ओके चलिए, अब हम लोग ना पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। पहले ना उसका डायग्राम वाला पार्ट है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग खाली ऑब्जर्व करो इसको, ठीक है? और बाद में घर पे जाके आराम से टाइम निकाल के इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसके स्टेप्स देखना सब लोग। नाउ व्हेनेवर वी ड्रॉ पिट्यूटरी ग्लैंड, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज कि हम लोग को ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस दिखाना और वो हाइपोथैलेमस को नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हुए यहां पर एक छोटा सा राउंडेड पार्ट दिखाना, और जो साइज का पार्ट यहां बनाओगे उससे कंपेरेटिवली काफी बड़े साइज का पार्ट इस तरफ होना चाहिए। अब ये दोनों भी पार्ट को हम लोग नीचे की तरफ एक डिप्रेशन में एक खड्डे के अंदर फिट कर देंगे, और फिर इसके अलावा बाकी जो है वो नीचे की तरफ बोन वाला पार्ट है। अच्छा, जैसे ये हो जाएगा बेटा, फिर इसके बाद यहां से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि एक ब्लड वेसल नीचे की तरफ आ रही है, उस ब्लड वेसल को आप पहले पाइप की तरह दिखाओ, फिर उसको डायलेट कर दो, और डायलेट करने के बाद ये दिखाना है कि उसका बहुत सारा नेटवर्क है। सो सिंपल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे बॉक्सेस दिखा देंगे। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये पूरा एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, बट बीच में ना एक स्लिम पार्ट दिखाना है आपको,
ठीक, इतना सिंपल लग रहा है बेटा, इतना समझा ना। अब क्या करना मन में, इस वाले पार्ट में न्यूरॉन्स ड्रॉ करना बेटा। मान लेते हैं अप्रोक्स दो न्यूरॉन यहां बनाए बेटा और दो न्यूरॉन इस तरफ बनाते हैं, फिर वो न्यूरॉन्स को नीचे लेकर आओ उनके एक्सॉन्स के थ्रू और ला के एक्सपांड कर दो नीचे। सेम आप यहां कैरी करना और इस तरफ भी, और एक्सपांड करके रखो। हर न्यूरॉन के टिप में एक राउंडेड पार्ट ड्रॉ करो, देन बचा कुचा जो है ना बेटा बीच में कुछ कुछ सेल्स बना दो ऐसे, ये पिट्यूटरी के सेल्स है। ऊपर की तरफ ये पूरा डॉटेड स्ट्रक्चर है। ओके, अभी इसका ना नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। ओके, यहां ऊपर जो भी हमने बनाया है ये हाइपोथैलेमस है। यानी बेटा ये ऊपर का पूरा पार्ट। नेक्स्ट, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये दोनों भी हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस है। सो दिस इज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। आउटसाइड एनसीईआरटी में अगर हम लोग जाएं तो इनका फैंसी नाम है, एक को सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं और एक को पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस बोलते हैं। ऑप्टिक यानी आईज, सुपरा यानी अबव। तो ये कैसे ना, आईज के ऊपर प्रेजेंट रहता है, आईज की जो ऑप्टिक नर्व रहती है उसके ऊपर रहता है, इसलिए सुपरा ऑप्टिक। और पैरा वेंट्रिक्यूलर क्योंकि ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स है, जो कैविटी है, ये उसको पैरेलली प्रेजेंट है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, खाली न्यूक्लियस नाम दिया, तो आप लोग वही याद रखो। हाँ, आप उसको न्यूरॉन्स भी बोल सकते हो क्योंकि न्यूक्लियस क्या रहता है, न्यूरॉन्स का ग्रुप रहता है बेटा। ओके, सो इंडिविजुअली आप न्यूरॉन्स भी लिख सकते हो उसको, कोई इशू नहीं। अच्छा, मूविंग ऑन। अब ना बेटा यहां पे जो ये स्टॉक दिख रहा है ना, गर्दन जैसा हिस्सा, उसका नेक जैसा हिस्सा, इसको बोलना है इनफंडिब्यूलम। नेक्स्ट, ये वाला जो लोब है पूरा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब को फैंसी इंग्लिश में बोलना है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एवरीबॉडी प्लीज प्रोनाउंस विथ मी, क्या नाम है इसका? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक चीज ना मन में रिपीट करते जाना, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम, ठीक है, और ये पिट्यूटरी का वो हिस्सा है जिसमें न्यूरॉन्स है, इसलिए इसको बोला न्यूरोहाइपोफाइसिस। वेयर एज बेटा पिट्यूटरी का ये वाला हिस्सा जो कंपैरेटिवली बड़ा है, ये पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब है बेटा, और इस एंटीरियर लोब को फैंसी नाम दिया गया है एडिनो हाइपोफाइसिस। प्रोनाउंस करो सब लोग, क्या नाम है? एडिनो हाइपोफाइसिस। हाँ, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंटीरियर लोब, आल्सो कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस। दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर लोब, आल्सो कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में ये जो स्लिम सा एरिया है, पतला सा एरिया, इसको इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं। इतना आसान सा प्यारा सा नाम है इंटरमीडिएट, क्योंकि बीच में बेटा। ओके, नेक्स्ट, ये जो सेल्स हैं, ये पिट्यूटरी के सेल्स हैं, इनको पिट्यूसाइट्स कहा जाता है, और ये जो न्यूरॉन आके खत्म हो गए बल्ब जैसे पार्ट में, इनको हेयरिंग बॉडी कहा जाता है। सब नेमिंग देखो बेटा ध्यान से, पता चल रहा है पर्टिकुलरली किसको क्या बोल रहे हैं बेटा। तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ करने के टाइम नेमिंग उस तरफ भी कर सकते हो, खाली पर्टिकुलरली वही नेम करने का जिसको जो बोलते हैं। नेक्स्ट, फिर
ये नीचे की तरफ जो हड्डी बनाया हम लोग ने, ये पूरा बॉक्स जैसा, इस हड्डी का नाम है स्पिनोइड बोन। सब लोग रिपीट करो, इसका क्या नाम है? स्पिनोइड बोन। और इस स्पिनोइड बोन में ये जो खड्डा है जिसके अंदर पिट्यूटरी प्रेजेंट है, इस खड्डे को बोलते हैं हाइपोफाइशियल फॉसा, यानी पिट्यूटरी को एकोमोडेट करने वाला फॉसा, फॉसा यानी डिप्रेशन। इसका दूसरा फैंसी नाम है सेला टर्सिका। और नीट के हिसाब से आपको याद रखना है, बहुत से पब्लिकेशंस में मेंशन है, इसको टर्किश सैडल भी बोलते हैं। चलो हम बच्चों अभी ध्यान देना सब लोग और रिपीट करना, ठीक है? इस खड्डे का नाम क्या है बेटा? हाइपोफाइशियल फॉसा, पहला नाम। दूसरा नाम सेला टर्सिका, और तीसरा नाम टर्किश सैडल। देखो दिस मेक्स अ सेंस, बिकॉज हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी और फॉसा यानी डिप्रेशन, सो द डिप्रेशन विच विल अकोमोडेट द पिट्यूटरी इज हाइपोफाइशियल फॉसा। Whereas the remaining name, specifically this Turkish saddle, saddle ना जो घोड़ा होता है या ऊंट होता है उसके पीठ पे जो पट्टा रखा जाता है ना जिसपे बैठते हैं, sitting वाली जो सीट होती है उसको saddle बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? Saddle। तो इसका शेप ना वो saddle के ही शेप का रहता है, इसीलिए उसके साथ कंपेयर किया। और Turkish एरिया में इस तरह के एनिमल्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो उसके साथ कंपेयर किया गया। नेक्स्ट, फिर एक और नेमिंग है, थोड़ा फैंसी है, ये यूजुअली क्या है सिलेबस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई एमसीक्यू में आएगा। ये जो ब्लड वेसल नीचे आ रही है ना, इस ब्लड वेसल का नाम यहां लिख के रखता हूं, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस से आई नीचे, और कहां तक आई? पिट्यूटरी तक आई। सो हाइपोफाइशियल, और इस ब्लड वेसल का नाम है पोर्टल वेसल। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। सर्कुलेशन चैप्टर में मैंने तुमको एक लाइन बोला था, किसी भी ब्लड वेसल को पोर्टल वेसल कब बोलेंगे? जब उसकी शुरुआत कैपिलरी के तौर पे होगी। The vessel which starts with capillary and it ends with capillary, जिसकी शुरुआत capillary के तौर पे हो रही है और जो खत्म भी capillary के तौर पे हो रहा है, ऐसे vessel को हम लोग बोलेंगे portal vessel। So यहां शुरुआत में ये capillaries के form में है, फिर ये blood vessel नीचे आती है और फिर capillaries बना देती है, इसको बोला जाता हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। लास्ट डायग्राम का मेन नेमिंग, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज डीएस और एलएस ऑफ विच ग्लैंड? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। Now, VS means vertical section. LS should be? नहीं, take it as longitudinal section. Okay, LS lateral नहीं बोलना था, LS longitudinal section. See, अगर आप कोई भी चीज को खड़ा खड़ा कट कर रहे हो आप वर्टिकल बोलोगे, उसी को आप फैंसी इंग्लिश में बोल सकते हो कि आप उसको लेंथ के अलोंग कट कर रहे हो ना। सो वेन एवर योर सेक्शन इज रनिंग अक्रॉस द लेंथ, देन यू विल कॉल इट एज longitudinal section. अब ना बच्चों, ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये एक्चुअल हमारे बॉडी में बहुत अलग दिखता है। अब धीरे धीरे तुमको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं तुमको क्या क्या इमेजिन करना है। सो यहां से हम लोग प्रॉपर आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट नोट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला पॉइंट दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि भाई इनका फैंसी नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। क्या नाम है बेटा? हाइपोफाइसिस। अच्छा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ओके, ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है,
इट इज प्रेजेंट बिलो हाइपोथैलेमस, और हमारी आंखों की जो नस, जैसे तुम बैठे हो ना, एक आईबॉल दूसरा आईबॉल, उसके पीछे से ऑप्टिक नर्व निकल रही है और ये ऑप्टिक नर्व ऑक्सीपिटल लोब पे जाके खत्म हो जाएगी, क्योंकि विजुअल एरिया पीछे है, सिखाया था ब्रेन में, राइट? अच्छा, बट ये नस ना पहले क्रॉस करती है, फिर ये जाके ऑप्टिक लोब में खत्म होती है। जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करती है उस क्रॉसिंग पॉइंट को बोलते हैं कायज्मा, और क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व का क्रॉसिंग है इसलिए इसको ऑप्टिक कायज्मा बोलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, उसका एड्रेस क्या है, लोकेशन हाइपोथैलेमस के नीचे है, ऑप्टिक कायज्मा के पीछे है, और स्पिनोइड बोन के डिप्रेशन में है, जिसका नाम है हाइपोफाइशियल फॉसा, सेला टर्सिका और टर्किश सैंड। सो इट इज प्रेजेंट इन डिप्रेशन ऑफ विच बोन, स्पिनोइड बोन। अब थोड़ा थोड़ा करके इमेजिन करते हैं, एक इंसान अगर इस तरफ को देख रहा है, इंसान क्यों, मान लेते हैं हमारा दोस्त, ठीक है, हमारा दोस्त इस तरफ को देख रहा है और हम लोग उसका स्कल का डाइसेक्शन कर रहे बेटा। तो हमने ये देखा कि ये उसका आई सॉकेट है, ये उसका स्कल है, नाक का पार्ट, जॉ का पार्ट, अपने दोस्त का स्कल है। कैसे पता चला, देखो दिमाग ही नहीं है, खाली है ना, ओके। अब इसमें ना हड्डियों के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि स्कल का जो बेस है उसमें शुरुआत की हड्डी है इथमोइड, इथमोइड के बाद जो नेक्स्ट हड्डी आती है उसका नाम है स्पिनोइड। क्या नाम है? स्पिनोइड। बट स्पिनोइड बोन में ना बेटा ये है सेला टर्सिका, आप समझ रहे हो, ओके। और यहां पे एक बड़ा सा होल होता है फोरामेन मैग्नम, जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ओके। अब बात ऐसी है बच्चों, एक्चुअल में ना हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के साइज के बराबर, मटर बोले तो पी प्लांट, वटाना, हाँ, तो छोटा सा दाना रहता है ना बेटा, ओके, उतना छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब साइड व्यू में यहां देखो, साइड व्यू में वो ऐसा राउंडेड दिखता है, बट जब इसको निकाल के हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करेगा, क्या करेगा बेटा, तो पता चलता है कि एग्जैक्ट राउंडेड नहीं, इसके तो दो टुकड़े। फिर जब इसको हम लोग और ज्यादा जूम करेगा तो पता चलता है एक टुकड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली और दूसरा टुकड़ा छोटा है, और फिर फाइनली जब मैग्निफाई करते हैं ना तो ये इस तरह का दिखता है। तो पहले ये बात अच्छे से समझ लो बेटा, ये काफी ज्यादा बड़ा मैग्निफिकेशन है इसका, आइडियली ये छोटे से पी के साइज के बराबर होता है। नेक्स्ट, फिर इसका आंसर रट्टा मारने से अच्छा है इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे क्लासिफिकेशन की तरह, कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो टुकड़े हैं। अगर ये इंसान इस तरफ को देख रहा है तो ये आगे वाला एंटीरियर पार्ट हुआ, क्योंकि ये इसके मुंह की तरफ का हिस्सा है ना, ओके, और ये पोस्टीरियर हुआ क्योंकि ये इसके एनस की तरफ का हिस्सा है, पीछे की तरफ का बेटा, तो ये आगे वाला पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट। सो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होंगे, एक होगा एंटीरियर लोब और दूसरा बनेगा बेटा पोस्टीरियर लोब। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंटीरियर लोब फॉर्म्स 75% ऑफ द ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब विल फॉर्म ओनली 25%। साइज चेक करो, जितना ये है अप्रोक्सीमेटली तीन गुना बड़ा ये है, ओके। पहला एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू फैंसी नाम, इसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। चलो बोलो सब लोग, क्या नाम है? एडिनो हाइपोफाइसिस। वेरी गुड बेटा, और ये ट्राई करो डायरेक्ट क्या बनेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, एडिनो इसलिए बोला है क्योंकि ये ग्लैंडुलर पार्ट है, ये ज्यादा से ज्यादा हार्मोन खुद ही बनाता है और खुद ही रिलीज करता है उसको,
इसको न्यूरो इसीलिए बोला है क्योंकि ये कोई भी हार्मोन खुद नहीं बनाता है, इसको रेडीमेड हार्मोन्स हाइपोथैलेमस बना के देते हैं और फिर ये हार्मोन्स को सिर्फ कंडक्ट करता है आगे की तरफ। एवरीबॉडी माइंड दिस सेंटेंस, बहुत सिंपल भाषा में तुमसे बोल रहा हूं कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो उसने खुद ने बनाए हुए हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन है वो उसने खुद ने नहीं बनाया, वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं और हाइपोथैलेमस से बनने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ टाइम के लिए उसको केवल स्टोर करता है और जरूरत के अनुसार उसको बॉडी में रिलीज करता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, एंटीरियर वाले जो पार्ट है उसके तीन छोटे छोटे टुकड़े हैं बेटा। पहले टुकड़े का नाम है पार्स डिस्टालिस, दूसरे टुकड़े का नाम है पार्स ट्यूबरलिस और तीसरे टुकड़े का नाम है पार्स इंटरमीडिया। यहां पर ना बच्चों पार्स का मतलब होता है पार्ट, अब जो आगे का टुकड़ा है उसको और तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, चेक करिए। इतना जो पार्ट है ये आप लोग है ना अपने डायग्राम में शेड मत करें, खाली मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये पूरा है पार्स डिस्टालिस। क्या नाम है बेटा इसका? पार्स डिस्टालिस। अच्छा, और ये जो ट्यूब जैसा पार्ट है ऊपर का इसको बोलेंगे पार्स ट्यूबरलिस। क्या बोलना बेटा? पार्स ट्यूबरलिस। और ये जो इंटरमीडिएट लोब है इसी का दूसरा नाम है पार्स इंटरमीडिया। एमसीक्यू, इंटरमीडिएट लोब पिट्यूटरी के कौन से लोब में इंक्लूडेड है? इज इट इंक्लूडेड इन एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस? एडिनो हाइपोफाइसिस। एनसीईआरटी ने लाइन दिया है, भले वो बीच में है बट ऐसा माना जाता है कि वो एंटीरियर का ही हिस्सा है। आगे न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसके तीन पार्ट बेटा। चलिए देखो, फर्स्ट पार्ट है स्पार्स नर्वोसा। क्या नाम है बेटा? स्पार्स नर्वोसा। अच्छा, एक पार्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो सिलेबस में नहीं है बट क्या फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आता है बेटा। There is a part called as median eminence. क्या नाम है? Median eminence. ये usually diagram में नहीं नजर आता है but याद रखना extra knowledge के लिए। अच्छा, और third important part है infundibulum. क्या नाम है बेटा? Infundibulum. Infundibulum ये पतला सा टुकड़ा है जो इस पूरे पार्स नर्वोसा को hypothalamus से जोड़ के रख रहा है, इसीलिए इनफंडिबुलम को पिट्यूटरी का स्टॉक मानते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइशियल स्टॉक। ओके, ये समझा सबको बेटा? चलो इसको एक बार ध्यान से देख लो और इसका फोटो क्लिक कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे। हाँ, ये चला ध्यान दो। ओके, सो पिट्यूटरी का फैंसी नाम था हाइपोफाइसिस। क्या नाम था? हाइपोफाइसिस। आगे का पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस, पीछे का जो पार्ट था वो न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस 75%, न्यूरो हाइपोफाइसिस 25%। अच्छा, अभी हम लोग है ना लिस्टिंग करेंगे सब पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की। नाउ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में जो एंटीरियर लोब है दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, सबको ध्यान देना यहां पे बराबर से, खाली यस बोलने से ध्यान नहीं आ जाएगा बेटा। एडिनो हाइपोफाइसिस, अब इसके हॉर्मोन्स देखते हैं एक एक करके, ठीक है? फर्स्ट हॉर्मोन का नाम है जीएच, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हॉर्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है एसटीएच, दैट इज सोमैटोट्रोफिक। हाँ, एच तो हार्मोन पर भी बोलेगा बेटा, चुप रहो, जो मेन है वो देखो, एसटीएच सोमैटोट्रोफिक हार्मोन।
सेकेंड हार्मोन इज कॉल्ड एज PRL, दैट इज अ प्रोलैक्टिन. ओके, थर्ड हार्मोन इज अ TSH, दैट स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. अच्छा, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा तो एटलीस्ट क्या लिख सकते बेटा, जहां जहां पे अच्छा आएगा हार्मोन तो लिख सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट ACTH, ध्यान देना बेटा, एड्रीनो एड्रीनो कॉर्टिको कॉर्टिको ट्रोफिक हार्मोन. अभी रुको, अभी तुमसे पूछता हूं, फिर तुम हार्मोन हार्मोन. ओके, टोटल चार हार्मोन हुए बेटा. देन नेक्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एज GNH, गोनाडो गोनाडो ट्रोफिक ट्रोफिक हार्मोन. चलो याद करो जल्दी फटाफट, GH का फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन, STH सब सब बोलने का साफ साफ, सोमैटो ट्रोफिक हार्मोन, BRL प्रोलैक्टिन, बोलो हार्मोन हार्मोन है, उससे प्रोलैक्टिन है. नेक्स्ट TSH, कुछ बच्चे ना काले हार्मोन सब वर्ड बोलने का, फालतू गिरी मत करो, चलो ध्यान दो. नेक्स्ट ACTH, अच्छा इसके है ना दो टाइप है बेटा, ये तुम जानते हो, एक है FSH और दूसरा LH. FSH फुल फॉर्म वेरी नाइस. LH फुल फॉर्म. Alright, next posterior lobe. Posterior lobe का दूसरा नाम क्या बच्चों? Neurohypophysis. Neurohypophysis में we have to remember कि इसके hormones जो हैं, ये hypothalamus में बनते हैं. और हाइपोथैलेमस यहां पे दो हार्मोन बनाएगा बेटा, एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन. चलो बच्चों ध्यान दो, सो पोस्टीरियर लोब में फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोस्टीरियर लोब इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस. एंटीरियर लोब का दूसरा नाम था एडिनोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस में जो जो हार्मोन देखे हमने, ये सारे हार्मोन इसने खुद ने बनाए थे और खुद ही रिलीज कर रहा है. पोस्टीरियर लोब में हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस दो हॉर्मोन रिलीज कर रहा है, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH. ADH का फुल फॉर्म होगा एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन हॉर्मोन, सर इतना आता है हमको लास्ट. अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं बेटा. ये दोनों भी हार्मोन पोस्टीरियर लोब नहीं बना रहा है, ये कौन बना रहा है, हाइपोथैलेमस. पोस्टीरियर लोब सिर्फ और सिर्फ ये हार्मोन को कुछ टाइम के लिए क्या करता है, और थोड़े टाइम के बाद उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा. बच्चों देखो, अभी आने वाले लेक्चर में ना हम लोग ये हर एक हार्मोन डिटेल में पढ़ेंगे, टाइटल अच्छे से कैच करके रखो. नंबर वन, GH का फुल फॉर्म. अच्छा, STH प्रोलैक्टिन, TSH थायराइड हार्मोन, वेरी नाइस. ACTH एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोफिक हार्मोन. GNH गोनाडोट्रोफिक हार्मोन. एक बात नोटिस किया कि ये भी GH ये भी GH होता है तो कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एल लगा है, तो ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन होगा. अब गोनाड पे काम करने वाले दो हार्मोन है FSH और LH. FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. परफेक्ट. पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस.
अब यहाँ पर दो ही हार्मोन है, बट इसने खुद ने नहीं बनाए. किसने बनाया ये? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस है. पहले हार्मोन का नाम ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम एडीएच, फुल फॉर्म डायुरेटिक हार्मोन, आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन. अच्छा, ऑक्सीटोसिन रिप्रोडक्शन याद है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन. अब एंटीरियर लोब हो गया, पोस्टीरियर लोब हो गया, फिर नीट में एक एमसीक्यू आता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरी थिन लोब इन बिटवीन, दैट इज इंटरमीडिएट लोब. पिट्यूटरी का जो इंटरमीडिएट लोब है वो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है एमएसएच, फुल फॉर्म इज मेलानोसाइट स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन. बोलो वापस से क्या फुल फॉर्म है? मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. अब मेलानोसाइट विल गो एंड कंट्रोल मेलानिन पिगमेंट. तुम जानते हो मेलानिन स्किन का पिगमेंट है. इसके वजह से स्किन का कलर डिसाइड होता है बेटा. ओके, तो ये स्किन कलर को कंट्रोल करेगा. लास्ट पॉइंट, हर मास्टर का सुपर मास्टर होता है. यस, यहाँ पे सुपर मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज अ सुपर मास्टर क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है. और हाइपोथैलेमस दो तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करेगा. एक हॉर्मोन को बोलते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन, और बेटा दूसरा होगा इनहिबिटिंग हॉर्मोन. बच्चों ये लास्ट पार्ट ध्यान से समझना. देखो जैसे अगर मैंने एग्जांपल में यहां लिखा जी एच आर एच, इसका मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. और इसी का मैं ऑपोजिट हार्मोन लिख सकता हूं जी एच आई एच, यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. अब देखो एक्चुअली में होता क्या है मालूम है, बॉडी को अलग अलग हार्मोन से कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी. बट पिट्यूटरी खुद किसके अंडर है? हाइपोथैलेमस के अंडर है. तो अब एक्चुअली क्या होता है मालूम है, बॉडी जो है ना हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है. मान लेते सपोज ग्रोथ की जरूरत है बॉडी को, तो बॉडी हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा कि साहब पिट्यूटरी से बोलो ग्रोथ हार्मोन छोड़ने के लिए, बहुत साल हो गए अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ, सब दोस्त लोग चिढ़ाते हैं हाफ टिकट हाफ टिकट. सो हाइपोथैलेमस बोलता है रुको, ये बेटा ध्यान दे. तो हाइपोथैलेमस बोलता है रुको, करता है मैं कुछ. अब देखो हाइपोथैलेमस क्या छोड़ेगा दोनों में से? जीएच आरएच छोड़ेगा. क्या फुल फॉर्म बनेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. सोचो ना, ये खुद एक हार्मोन है, एक लिक्विड है, फिर ये लिक्विड जाएगा पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी को बोलेगा कि हाइपोथैलेमस का कमांड है कि तू ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर. फिर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा. सो बॉडी के सेल से डिवाइड होंगे, बोन्स के सेल लंबे होंगे, ओवरऑल हाइट बॉडी वेट बढ़ेगा. अच्छा, बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्रोथ मिल जाता है तब वो हाइपोथैलेमस को फिर से मैसेज भेजता है, बोलता है साहब बस करो नहीं तो ग्रेट खाली हो जाएगा, हम लोग एक्सेस हो जाएगा. सो हाइपोथैलेमस अब एक स्पेशल हार्मोन छोड़ेगा जीएचआईएच. क्या फुल फॉर्म बनेगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. अच्छा नीट स्टूडेंट्स, आपको याद रखना इसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन. इसका दूसरा नाम क्या बेटा? सोमैटोस्टैटिन. क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम था सोमैटोट्रोफिक हार्मोन. अब सोमैटो यानी बॉडी और स्टैट यानी स्टैचू यानी रोक देना. सो बॉडी के ग्रोथ को ये रोक देगा, इसलिए इसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन. यानी आप ये समझो कि हाइपोथैलेमस के पास ना दोनों तरह के हॉर्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन भी होता है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है. उसको पिट्यूटरी से अगर कोई काम करवाना है ना तो उस वाले हार्मोन का वो रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन निकले, तो हाइपोथैलेमस छोड़ेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये हार्मोन जाके पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई देख हाइपोथैलेमस की तरफ से रिक्वेस्ट आया है तुझे गोनाडोट्रोपिन छोड़ना है. तब पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन छोड़ता है. और गोनाडोट्रोपिन के दो टाइप है, एफएसएच और एनएच. अब बॉडी को जब एफएसएच और एनएच बहुत अच्छा खासा मिल गया ना, तो बॉडी हाइपोथैलेमस को फिर से मैसेज भेजता है, बोलता है थैंक यू सर आपका हार्मोन हमको रिसीव हुआ है, बट सर अभी हमारी जरूरत पूरी हो गई.
फिर हाइपोथैलेमस छोड़ता है गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी से कहेगा कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन छोड़ना अब बंद कर दो। बेटा आप समझ रहे हो, यानी मेन कंट्रोल पिट्यूटरी है, बट पिट्यूटरी का ऑन ऑफ बटन किसके हाथ में, हाइपोथैलेमस। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर पिट्यूटरी मास्टर है तो हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर। इतना समझे बच्चों? देखिए आज के लेक्चर को तो हम लोग समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं वो देखे, हॉर्मोन्स का डेफिनेशन देखा, पिट्यूटरी का हमने कट सेक्शन वाला डायग्राम देखा और पिट्यूटरी के अलग अलग पार्ट्स देखे, और फिर इस लास्ट पार्ट में हमने हॉर्मोन्स के सिर्फ टाइटल पढ़े हैं, यानी उनका लिस्टिंग किए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं तुमको एक एक हॉर्मोन डिटेल में सिखाऊंगा, तब हमको ये समझेगा कि कोई हॉर्मोन अगर कम हो जाए तो भी बीमारी होगी और कोई हार्मोन अगर हद से ज्यादा हो जाए तो भी बीमारी होगी। जैसे अगर हम लोग मान के चलते हैं ग्रोथ हार्मोन, बेटा सो ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो डॉर्फिज्म हो सकता है और अगर ज्यादा हो गया तो जाइजेंटिज्म हो सकता है। मान लेते शुगर लेवल वाला हार्मोन इंसुलिन, ठीक है, अगर शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो डायबिटीज, शुगर लेवल अगर कम हो गया तो उसके वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट को चक्कर आएगा। यानी हर कंडीशन ज्यादा हो जाए तो भी मुसीबत, कम हो जाए तो भी मुसीबत। सो नेक्स्ट क्लास में ये माइंडसेट के साथ आना है, ये रिवाइज करके आना, ओके, ताकि हम लोग आगे फिर हर हार्मोन उसका फंक्शन और उसके एक्सेस से क्या कंडीशन होगा और उसके डेफिशिएंसी से क्या कंडीशन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये समझे सब लोग? चलिए इसका फोटो ले लो, यहां पर स्टॉप करते हैं मैडम आज की क्लास, समझिए ना सबको, इसको स्टॉप कर दे। अच्छा हाँ सर।